हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। एंड टुडे आज हम जो आपसे बात करना चाह रहे हैं वो है आपकी जो न्यू नोटिफिकेशन एचपी बोर्ड के द्वारा दी गई है। इसमें सबसे पहले जो नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है वो है आपकी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस टू अ एग्जामिनर ऑफ अ आंसर शीट, यानी कि उनको कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं और किस किन बातों का उनको ध्यान रखना है, वो सारी जो नोटिफिकेशंस है वो यहाँ पर इनको सारे जितने भी उनको रूल्स फॉलो करने हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर वन बाय वन दी हुई हैं। तो यहाँ से जो है जितने भी टीचर्स हैं एचपी गवर्नमेंट्स के, तो एचपी बोर्ड के, तो वो क्या है, वो यहाँ से अपने जितने भी दिशा निर्देश है उनको फॉलो करें। ओके, तो यहाँ से वो इजीली हर चीज़ को देख सकते हैं। सेकंड चीज़ जो है बच्चों के लिए है वो बहुत अच्छी है कि उनके कौन कौन से सब्जेक्ट में जो क्या है ग्रेस मार्क्स जुड़ेंगे, वो भी क्या है नोटिफिकेशंस इनके पास सेकंड आई हुई है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन रिगार्डिंग ग्रेस मार्क्स इन अ केमिस्ट्री प्लस टू मार्च 2020, यानी कि 2020 में मार्च में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके कौन से सीरीज़ पे, किस क्वेश्चन पे कितने ग्रेस मार्क्स लगेगी, वो भी क्या है यहाँ पर नोटिफिकेशन डाली गई है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इट हैज़ कम टू आर नोटिस दैट ड्यूरिंग द प्लस टू क्लास एग्जामिनेशन मार्च 2020 इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ केमिस्ट्री ए सीरीज, यानी कि ए सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 6, 2, 6, 9, 26, 28 सीरीज ए की बात हो रही है। सीरीज बी में क्वेश्चन नंबर 3, 6, 8, क्वेश्चन नंबर 16 का बी, 18 का बी, 22 का ए, 23 का सी, 25 का बी, 27 का सी, यानी कि 28 का सी, इसमें ग्रेस मार्क्स लगेंगे। ओके, सीरीज सी का जो है आपके पास 6 एंड 26 है, ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, या तो किसी ने ढंग से क्वेश्चन पूछा नहीं है, या तो उसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो उन्होंने प्रॉपर तरीके से नहीं दिए हैं। इसमें आपके पास कंडीशन क्या रहती है कि ग्रेस मार्क्स जो है चाहे किसी बच्चे ने अटेम्प्ट किया है चाहे ना किया है, फिर भी क्या है उनको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। और कंडीशन सेकंड ये है कि कंडीशन दैट टोटल ऑफ अ मार्क्स ऑफ एनी कैंडिडेट शुड नॉट बी एक्सीडेड मोर देन 60, यानी कि 60, ये केमिस्ट्री की बात हो रही है कि 60 नंबर से ज्यादा क्या है उसके मार्क्स नहीं होने चाहिए। ओके, तो सीरीज ए में जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है उसमें क्या है आपके पास 2 ऑप्शन करेक्ट है, ए एंड सी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 का आपके पास 1 नंबर जुड़ेगा और क्वेश्चन नंबर 26 के आपके पास 2 नंबर जुड़ेंगे, यानी कि आपके जो टोटल मार्क्स है सीरीज ए वालों के वो ग्रेस में 3 मार्क्स जुड़ेंगे, और जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपके ए और बी ऑप्शंस आर करेक्ट। इसमें थोड़ी सी गलती कर दी है, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 में दिस क्वेश्चन हैज़ बीन 2 ऑप्शन, यानी कि ए एंड सी, और यहाँ पर इन्होंने ये अब लिख लिया है ए एंड बी। अब इस चीज़ के मैं भी क्लियर नहीं हूँ, जो यहाँ पर इन्होंने टाइप किया है मैं वही आपको सजेस्ट कर रही हूँ। मैं कोई फेक न्यूज़ नहीं देना चाहती किसी भी टीचर्स को और किसी भी स्टूडेंट्स को। तो सीरीज बी में आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का 1 मार्क्स जुड़ेगा, 18 का आपके पास 1, 22, 23, 25, 27, यानी कि 27 में क्या है कि 1 ग्रेस मार्क्स इफ कैंडिडेट अटेम्प्ट और पार्ट, यानी कि अगर उसने और पार्ट यानी कि उसमें दिया है उसको अगर अटेम्प्ट किया है तब आपके पास जो क्या है 27 में 1 मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज क्या है आपके पास टोटल मार्क्स जो है ग्रेस मार्क्स वो 5 जुड़ेंगे और साथ में 1 मार्क्स एक्स्ट्रा फॉर अ हु अटेम्प्ट और पार्ट, 27 का और पार्ट जिसने अटेम्प्ट किया है उसको 1 मार्क, यानी कि जिसने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किया है और वाला पार्ट 27 का, तो उसके पास क्या है आपके पास 6 मार्क्स आपके केमिस्ट्री में जुड़ेंगे। ओके, सीरीज बी, इस चीज का ध्यान रखिए, सीरीज बी, ठीक है। सेकंड हमारे पास आ जाता है यहाँ पर आपके पास सी, सी सीरीज का यहाँ पर कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें कोई मिस्टेक्स हो, तो यहाँ पर यानी कि ए सीरीज को 3 मार्क्स मिलेंगे और बी सीरीज को 5 मार्क्स, और 6 मार्क्स जो होगा वो और अटेम्प्ट पार्ट किया होगा उसी को ही ये मिलेगा। One second. What about the question number of a series C6 and question number 26A? यहाँ पर उसके लिए इन्होंने कोई भी ग्रेस मार्क्स नहीं दिया हुआ है, तो आप इसका जो है
बात अपने टीचर से कर सकते हैं या बोर्ड वालों से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए सीरीज सी का जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है और 26 है उसके बारे में यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं हुई है। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ आपके पास सीरीज ए और सीरीज बी के ग्रेस मार्क्स की बात हुई है, तो आप इसके बारे में अपने टीचर के पास बोल सकते हैं। इसीलिए आपको अवेयर रहना चाहिए हर चीज से। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 26 ए की बात हो रही है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 26। ओके, दैट इज ऑल अबाउट इन फॉर केमिस्ट्री पेपर। ठीक है, केमिस्ट्री के पेपर में इतना ही है। ओके, तो सेकंड आपके पास आ जाता है आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट का, कि इसमें आपके कितने सब्जेक्ट जुड़ेंगे, कितने आपके ग्रेस मार्क्स जुड़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या नोटिस करना है, यहाँ पर जो ये डेट दी हुई है, सबसे पहले तो आपने इसके ऊपर नोटिस करना है कि ये डेट कब की है और कब की नोटिफिकेशंस है। ओके, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। ये देखिए प्लस टू क्लास एग्जामिनेशन रिगार्डिंग ग्रेस मार्क्स ऑफ प्लस टू बायोलॉजी मार्च 2020 एग्जामिनेशन। इसमें आपके पास क्या है, बी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 2, ओके, और सी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 4, 7 एंड 10 वर नॉट आस्क्ड करेक्टली एंड प्रॉपर सुटेबल ऑप्शन आर नॉट गिवन। ओके, तो इसमें भी यही है आपके पास कंडीशन, जैसे यहाँ पर आपके केमिस्ट्री में बताई थी कि ग्रेस मार्क्स जो क्या है आपके जिसने अटेम्प्ट किया है ना किया है उसको भी मिलेंगे, बट इसमें एक कंडीशन रहती है कि आपके मार्क्स जो है 60 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर बी सीरीज का जो क्वेश्चन नंबर 2 उसमें आपके 1 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि बी सीरीज वालों को 1 मार्क्स मिलेगा और सी सीरीज वाले को यानी कि 4, 7, 10 क्वेश्चन जो है उनमें एक एक नंबर मिलेगा और इसमें आपके पास 3 नंबर जुड़ गए, यानी कि बी सीरीज के लिए 1 मार्क्स मिलेगा और जो आपका यहाँ पर सीरीज बी है इसके लिए आपके 3 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से, यहाँ पर ये नोटिस करना है कि आपके पास सीरीज कौन सी है, बी सीरीज, और ये आपके पास आ गई सी सीरीज। ओके, तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कॉमर्स के, कि कॉमर्स में कौन कौन से जो है आपके ग्रेस मार्क्स जुड़ेंगे अकाउंटेंसी में और आपकी बिजनेस स्टडी में। तो यहाँ पर आपका प्लस टू का अकाउंटेंसी का पेपर आ गया और ये नोटिफिकेशन की भी आपकी 29/4/2020 को आई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिगार्डिंग ग्रेस मार्क्स प्लस टू अकाउंटेंसी। तो इसमें आपके पास आ जाता है सिर्फ सी सीरीज वाले जो है उनका क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो करेक्टली नहीं पूछा गया है या फिर ऑप्शन सही से नहीं दिए हैं। तो इसमें यहाँ पर इन्होंने दिया है कि इनके मार्क्स जो है 65 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होने चाहिए और इनको क्वेश्चन नंबर 20 पे 2 मार्क्स मिलेंगे। तो ये रहा आपका बिजनेस प्लस टू बिजनेस स्टडी की ग्रेस मार्क्स से, ये भी आपकी नोटिफिकेशन इस डेट पर आई है, सेम डेट पर जो है आपकी चारों नोटिफिकेशंस आई हैं। इसमें आपके कितने ग्रेस मार्क्स लगेंगे, यहाँ पर ओनली आपकी बी सीरीज है जिसमें आपके ग्रेस मार्क्स लगेंगे क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 23 वर सेम, दोनों क्या है आपके क्वेश्चन सेम है और इसमें जो है आपके मार्क्स 85 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और इसमें जो है आपके पास 4 ग्रेस मार्क्स जुड़ेंगे, ये आपको यहाँ पर शो हो रहा है। इसमें आपके 4 ग्रेस मार्क्स आपके ऐड होंगे। दैट इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। और मैं आपको फिर से यही बात बोलूंगी कि जब भी आपने कोई नोटिफिकेशन चेक करनी है या किसी रिजल्ट के बारे में पता करना है तो डायरेक्ट आप एचयू बोर्ड की वेबसाइट में जाइए, वहां पर आपके पास रिजल्ट एंड नोटिफिकेशन का मेन्यू बना होगा, वहां पर डायरेक्ट आपको हर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ओके, तो ये रहा आज का इसी वीडियो में कि कितने आपके ग्रेस मार्क्स जुड़ेंगे। यहाँ पर 4 सब्जेक्ट मैंने आपको बताया है और ये प्लस टू क्लास के लिए है। इसमें आपके ग्रेस मार्क्स केमिस्ट्री में आपके जो है अलग अलग से ग्रेस मार्क्स लगे हुए हैं और केमिस्ट्री, इसमें आपके पास आपकी बायोलॉजी, आपकी बिजनेस स्टडी एंड अकाउंटेंसी में इसमें ग्रेस मार्क्स जोड़ने की बात हुई है। और अभी आपके रिजल्ट अभी नहीं आएंगे क्योंकि मैंने आपको बता दिया है स्टार्टिंग में ही, नोटिफिकेशन अभी अभी जारी हुई है कि किस तरीके से उन्होंने टीचर्स ने रूल फॉलो करने हैं। तो आपके पेपर अभी चेक नहीं हुए हैं, अब स्टार्ट हो रहे हैं आपके पेपर चेक होना। तो रिजल्ट का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है किसी भी तरीके की, तो आप किसी भी फेक जो न्यूज है, फेक जो वीडियो है उस पर विश्वास ना करें, आप डायरेक्ट एचपी बोर्ड की वेबसाइट में जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।